हेलो एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी सोलमेट शुभाना और लेके आई हूँ आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल 17 मई 2021 से लेके 23 मई 2021 तक के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके राशिफल 12 राशियों के लिए। हाँ, हम ये राशिफल टैरो कार्ड्स के द्वारा करेंगे और आप अपना राशिफल अपने लगन लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, या फिर नाम राशि के अकॉर्डिंगली, या वेस्टर्न ज़ोडियक साइन के अकॉर्डिंगली, जैसे भी आप हमेशा देखते हैं, जैसे भी आप कंपैटिबल हैं या रेजोनेट करते हैं जिस भी राशि से, उस राशि का राशिफल आप देख सकते हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है और ज़रूरी नहीं है कि ये सभी से रेजोनेट कर लें। कई बार किसी की कुछ सिचुएशंस होती हैं, कई बार किसी की कुछ सिचुएशंस होती हैं। तो अगर आपकी ये किसी से रेजोनेट ना करे तो आप अपना दूसरा राशिफल, दूसरी राशि के अकॉर्डिंगली अपना राशिफल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है और हमारे टैरो कार्ड्स बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए, एंजल गाइडेंस भी बिल्कुल तैयार है। देखते हैं, शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली राशि। हमारी सबसे पहली राशि है एरीज, यानी कि मेष राशि। देखते हैं उनके लिए क्या एनर्जीज लेके आया है ये आपका ये वीक। तो हमारे कार्ड्स बिल्कुल तगड़े चल रहे हैं बिल्कुल। तो बताइए हमारे कार्ड्स, बताइए एरीज राशि के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। बहुत सुंदर कार्ड आया आपके लिए, आया है फोर ऑफ वैंस। फोर ऑफ वैंस कहीं पे ये कह रहा है कि आपका जो ये हफ्ता है, आप जो भी डिसीजन करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। हो सकता है आपकी शादी की बात पक्की हो जाए, ये भी हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करें, वो हाँ कर दें, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपके करियर में या आपकी जॉब की जगह या फिर आपके बिजनेस में आपको कोई अच्छी अचीवमेंट हो, और कहते हैं ना कि 10 उंगलियां घी में होना, तो कोई आपको सक्सेस मिले, आपके मन मुताबिक जो है कुछ काम हो जिससे कि आपको लगे कि हाँ बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है। और वाकई में एरीज, आप लोगों की एनर्जीज जो हैं बहुत अच्छी हैं। बस मैं तो यही कहूँगी, इन एनर्जीज को बिल्कुल वेस्ट मत जाने दीजिएगा और इनको जो है अच्छे से यूज़ करिएगा। ये टाइम आपके लिए बहुत प्रेशियस है। हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी या पैरों में दर्द, अर्थराइटिस की शिकायत भी हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा नंगे पैर चलना होगा। आप नंगे पैर जो घास पे चलेंगे उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। आपकी आँखों की रोशनी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आँखों की रोशनी में भी आपको थोड़ा सा पानी आ सकता है आँखों में, तो उसके लिए भी आपके आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। रिलेशनशिप सुधरने वाले हैं। और जहाँ तक मनी रिलेटेड है, हो सकता है आप कुछ नया कुछ खरीदें, कुछ प्रॉपर्टी खरीदें, कुछ निवेश करें, या कहीं से बहुत सारा पैसा आपका रुका हुआ आपको मिल जाए, या कोई आपको गिफ्ट ही कर दे, आपको बहुत सारा मुनाफा हो, ये भी ऐसा नज़र आ रहा है एरीज राशि वालों के लिए। तो एरीज राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, इसका पूरा पूरा सदुपयोग करिएगा। अब हम देखते हैं आपके लिए, देखिए आपके लिए एंजल गाइडेंस भी यही आया है, रिट्रीट इनटू नेचर, यानी कि नेचर में। अभी आपको मैंने आपको कहा था ना कि आप ज़रा ओस की बूंदों जो होती है घास के ऊपर, आजकल तो इतनी गीली नहीं होती होगी घास, लेकिन फिर भी जो नमी होती है वो आपके लिए बहुत अच्छी है आपके हेल्थ के लिए। तो आप थोड़ा नेचर में रहिए, पशुओं के लिए पानी रख दीजिए, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और कुछ प्लांट्स लगाइए, उनकी देखभाल करिए, आपके लिए वह बहुत अच्छा होगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, प्रकृति में अपना समय बिताइए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी दूसरी राशि। हमारी दूसरी राशि है टॉरस, यानी कि वृष राशि। तो कार्ड्स हमें बताइए टॉरस राशि वालों के लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। वाओ, टॉरस राशि वाले तो बड़े ही रोमांटिक होते रहेंगे, बहुत ही इमोशनल रहेंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहेंगे रिलेशनशिप्स में, हर तरह की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा केयरिंग रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनपुट डालने वाले हैं, अपना पार्टिसिपेशन करने वाले हैं,
और ध्यान रखने वाले हैं, किसी की इंतज़ार करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, हो सकता है अपना इजहार कर दें या फिर इंतज़ार करें कि उनका हाँ में जवाब मिल जाए। हो सकता है वो किसी को प्रपोज़ करें, एरीज का भी कुछ कुछ ऐसे ही था, उनको तो जवाब मिल जाएगा हाँ में। यहाँ पर भी थोड़ी सी इंतज़ार है, थोड़ा रुकावट है, तो सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र करके चलिए। आपको रिलेशनशिप्स में आपके जो है प्यार देंगे तो प्यार आएगा, उनकी हाँ की भी इंतज़ार आएगी और काफ़ी कंपैटिबल रहेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। जहाँ तक हेल्थ की बात है, आपको थोड़ा पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए, और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देना होगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए जिससे कि आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स निकलते चले जाएँ। मनी रिलेटेड में कोई फाइनेंशियल फ्लो या ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप इमोशंस में ज़्यादा बहे रहेंगे, रिलेशनशिप्स के तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका, और थोड़ा सा हेल्थ भी आपकी थोड़ी बहुत खांसी जुकाम भी हो सकता है। डरने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल की वाली तकलीफ नहीं होएगी, चिंता मत करिए। बस अपना अगर शुगर हाई रहता है तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और जहाँ तक है हेल्थ मैंने आपको बता दिया, उसके ध्यान देना है, रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, और फाइनेंशियल फ्लो अभी कुछ नहीं दिखता है। बस यही है आपके लिए, बड़ा क्यूट सा समय रहेगा ये हफ्ता, बड़ा यादों में रहेंगे, मदहोश से रहेंगे। बस ड्रिंक विंक अगर करते हो तो ज़्यादा मत करिएगा, वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। अब देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। उनके लिए आया है एनर्जी हीलिंग। ओके, एनर्जी हीलिंग यहाँ पे इसलिए आया है ताकि आप बहुत ज़्यादा जो इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, तो उतना आपको भावुक होना नहीं चाहिए। तो कार्ड्स कह रहे हैं, एंजल कार्ड्स कह रहे हैं, थोड़े से आप संभल जाइए और थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, और जो रिलेशन आपके लिए अच्छा है वो डिवाइन आपको खुद ही प्रदान करेगा। बस आप अच्छे रहिए, आप कुछ ऐसा मत करिए कि आप सामने वाले का दिल दुखाएं, तो डिवाइन भी आपके साथ नाइंसाफी बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारी तीसरी राशि। हमारी तीसरी राशि है जेमिनाइज। तो देखते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है। ओ ओ ओ, जेमिनाइज के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि कोई कहानी ख़त्म और कोई कहानी शुरू, यानी कि कोई फेज ख़त्म होने वाला है, कोई एक नया फेज शुरू होने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मे बी कुछ नॉवल्टी चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके, और जो भी आपके बीच में मतभेद है उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई पुराना रिलेशन बिल्कुल ही ख़त्म करके, ब्रेकअप करके एक नए रिलेशनशिप की तरफ आपके कदम बढ़े। हेल्थ के लिए हो सकता है कि पुरानी कोई तकलीफ चली आ रही है वो ख़त्म हो जाए, या फिर आपके बैकएक हो सकती है। अपनी पीठ का अच्छा खासा ध्यान रखिएगा, पीठ का अच्छा खासा ध्यान रखिएगा, चोट लग सकती है, बैकएक हो सकता है, और एकदम झटके से मत खड़ी होइएगा, झटके से मत बैठिएगा। हेल्थ का आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में अगर हम देखें फाइनेंशियल भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ आपकी कुछ ग्रोथ होने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है आप ज़्यादा सोचेंगे भी नहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में, और हाँ कुछ नया करने की ज़रूर सोचेंगे कि चलो इससे नहीं बन रही हमारी बात तो हम कुछ नया करें, फाइनेंसिस भी ग्रोथ हो उसके लिए कुछ नया करें। आपको कहाँ पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है जेमिनाइज, और आपको रिलेशनशिप की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, अगर नया रिलेशनशिप आप शुरू करना चाहते हैं तो जल्दी शुरू मत करिएगा, थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा, टाइम लीजिएगा, फिर सोच समझ के नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ चलिएगा। और बस ऑल द बेस्ट, आपका सब अच्छा हो, भला हो। लेट्स सी आपके लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं क्रिस्टल्स, यस, आपको ना थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है। अभी भी आपको ना क्लैरिटी नहीं है, जो चीज़ें आपकी ख़त्म हो के कुछ जो नई चीज़ें आप करना चाह रहे हैं या नया फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है उसके लिए आपकी लाइफ में भी क्लैरिटी नहीं है। तो एंजल्स कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप क्रिस्टल्स की हेल्प लीजिए। आप अपने क्लियर क्वार्ट्ज पहनिए, क्योंकि आप जेमिनाई हैं, क्लियर क्वार्ट्ज पहनिए, या फिर एवेंचुरिन पहनिए, ग्रीन जेड पहनिए उससे, या फिर पन्ना पहनिए उससे आपको बहुत आराम मिलेगा, या फिर ग्रीन कलर की बॉटल होती है उस पर पानी भर के पीजिए, इन सब चीज़ों से आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि। हमारी नेक्स्ट राशि आती है कैंसर, कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए
क्या लेके आ रही हैं इस वीक की एनर्जीज। आ जाओ कार्ड, आ जाओ, कौन आ रहा है? ओ कैंसर राशि वाले तो एम्परर बने हुए हैं, जिद में रहेंगे, अपनी थोड़ी सी ईगो में रहेंगे, थोड़े से हिटलर बने रहेंगे। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, या मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही है, मेरे मुताबिक सब चलना चाहिए, बाकी सब लोगों को कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ मुझे ही पता है। विल पावर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगी और एक ना कहते गुरु टाइप्स अपना एक्सपीरियंस का, अपनी मेच्योरिटी का एक रहने वाला है। और मंगल आपका काफ़ी शार्प रहने वाला है, तो मैं तो आपको कहूँगी कि मंगल ज़्यादा ही शार्प मत करिएगा, मंगल दान करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, एंग्जाइटी स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि मंगल की भरमार है और फीवर भी आ सकता है। तो इसलिए अपने सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप में ईगो काम नहीं आती और बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी भी काम नहीं आती, कभी कभी बच्चा भी बनना पड़ता है, कई बार चीज़ों को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ी सॉफ्टनेस अपनानी चाहिए, जिद में नहीं रहना चाहिए। तो कहीं पर जेमिनी जैसा लग रहा है, रिलेशनशिप में भी जिद, काम में भी जिद, घर में भी जिद, हेल्थ में भी जिद, कि मुझे दवाई नहीं खानी या मुझे ये नहीं करनी, इस तरह का एक ज़िद्दी आपका जो है वो एक नज़रिया रह सकता है कि मैंने जो करना है वो सही है। तो ऐसा मत करिएगा, दूसरे की भी ज़रूर सलाह लीजिएगा। कई बार छोटे जो होते हैं बहुत अच्छी सलाह दे जाते हैं, हम बड़े इतनी अच्छी हमारे विचार कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, और जो छोटे होते हैं दे आर क्वाइट स्मार्ट, वो बहुत अच्छी सलाह दे जाते हैं, तो उनकी भी सुनिएगा। ज़्यादा मेच्योरिटी भी नहीं, देखिए सीधी सी बात है, बच्चे रहेंगे तो बच्चे रहेंगे, यानी एंग्जाइटी नहीं रहेगी, है ना, गुस्सा भी नहीं आएगा। तो गुस्से पे अपने कंट्रोल करना है, क्या बोल रहे हैं स्पीच पे भी अपना कंट्रोल करना है। अब देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या आ रहा है। एंजल कार्ड आया है फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन। यस, आपकी लाइफ में कोई भी मेल है जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो उनसे आप सलाह करके ज़रूर चलिएगा। अभी मैंने आपको कहा था ना, आप ज़रूर किसी से सलाह ज़रूर लीजिएगा, सिर्फ अपनी मेच्योरिटी पे या एक्सपीरियंस के ऊपर ही आप पूरा जो है फोकस मत करिएगा, किसी से आप ज़रूर सलाह लीजिएगा। तो चलिए हमारी बारी है अब लियोज़ की, तो कार्ड में बताइए लियो राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं एनर्जी। लियो राशि वाले तो हो गए हैं फूल। फूल का मतलब सच्ची में वो नहीं है कि फूल बेवकूफ, फूल मींस थोड़ा मस्त रहेंगे, थोड़ा अपनी दुनिया में रहेंगे, दुनिया थोड़े अपने ही सपनों को जो है जीने की कोशिश करेंगे, बड़ा सोचेंगे और मस्त होके रहेंगे, अपनी तरफ ध्यान देंगे कि मैं खुश तो सब कुछ बढ़िया। बट हाँ, यहाँ पे कुछ एक चीज़ खटक रही है कि जो लियोज हैं वो अपनी लाइफ में कुछ रिस्क लेने की सोच रहे हैं इस वीक। उनके अंदर ना रिस्क लेने की एक क्या कहते हैं जोश सा आ जाएगा, करके देखते हैं देखा जाएगा क्या होगा। ज़्यादा जोश में मत लीजिएगा, रहिएगा लियोज, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, अपना हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा, और हेल्थ को किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आजकल का माहौल ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं खुद एक लियो लगन हूँ, मैं जानती हूँ कि शुरू शुरू में मैंने भी बहुत सोचा कि कुछ नहीं होगा मुझे, लेकिन कोविड ने ऐसा घेरा कि अभी तक मेरे अंदर ताकत नहीं है। वो तो बस आप लोगों से बात करनी थी, तो आप लोगों के सामने आके मैं बैठ गई और अपने आप ही बात करना शुरू कर दिया। बड़े टाइम बाद मैं तैयार भी हुई हूँ, बहुत टाइम बाद, बहुत नर्वस हो रही थी कि कैसे बनाऊँ वीडियो, लेकिन फिर जब जोश चढ़ा तो चढ़ गई है। तो वो क्योंकि लियो लगा है ना, तो लियो वाले जो हैं जब जो करना है वो तो करना है, बस करना है। और जहाँ तक हेल्थ है, हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना, कोई बड़ा प्रपोजल आपने फाइनल नहीं करना, रिलेशनशिप्स को भी बहुत प्यार से देखना है, उनकी तरफ आप थोड़े से केयरफ्री हो सकते हैं, तो अपने रिलेशनशिप्स को आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। थोड़ा सीधापन भी ज़्यादा दिख रहा है, भोले भाले भी दिख रहे हैं, जिसने जो बोल दिया उसको आपने मान लिया, ऐसा भी नहीं करना है, थोड़ा सा जागरूक भी रहना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके एंजल क्या कहते हैं। एंजल कहते हैं वर्क योर मैजिक,
क्या बात है, वर्क योर मैजिक मीन्स कि आपके अंदर तो बहुत मैजिक है, जितनी भी लियोज हैं। और ठीक है, आप थोड़े केयर फ्री हो रहे हैं, थोड़ा लापरवाह हो रहे हैं, थोड़ा सा लेट गो करेंगे, थोड़ा जैसे चल रहा है ओके ठीक है, हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ देखा जाएगा। बट नहीं, आपको अपने पे काम करना होगा, अपने मैजिक को दोबारा से जगाना होगा और आपको दोबारा से खड़ा होना होगा, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अभी ये आपका समय खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको बहुत काम करना है। तो खड़े हो जाइए, रिस्क मत लीजिए, निराश मत होइए, मस्त होइए, बट ऐसा वाला मस्त मत होइए कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं। अपना जोश वापस से लेके आइए, अपने अपनी एनर्जीज को आपको दोबारा से जो है जागृत करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं वर्गोस, हमेशा मैं वर्गोस भूल जाती हूँ। तो इस हफ्ते वर्गोस के लिए क्या एनर्जीज हैं देखते हैं, उनके लिए क्या आया है, फाइव ऑफ पेंटिकल, पैसों की कमी, बहुत बहुत पैसों की कमी। ज़्यादा पैसे खर्च मत करिएगा, अभी आपके पास पैसे आने नहीं वाले हैं, ज़्यादा कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, ज़्यादा खर्चा मत करिएगा, जितना है उतनी ही चादर फैलाइएगा, उसी में हो जाएगा, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ की तरफ अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे होंगे नहीं अब मैं तो शेर हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ ना होगा, आपको हेल्थ की तरफ खासा ध्यान रखना पड़ेगा, कोल्ड कफ की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी वीकनेस नज़र आ रही है, कमज़ोरी नज़र आ रही है, तो अपनी वीकनेस पे काम करना होगा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, अच्छा खाना खाना होगा और अच्छी नींद लेनी होगी, और कहीं कोजी कोसी में रहना होगा, ज़्यादा एसी एसी में मत चाहिएगा। देखिए यहाँ पे बर्फ़ जमी भी है, ऐसा लग रहा है ये वर्गोस मानते नहीं हैं, इनको एसी चाहिए ही चाहिए। तो ठंड से अपने आप को बचाइएगा, कवर करके रखिएगा, ज़्यादा ठंडक में मत जाइएगा, और खांसी जुकाम नज़लों से अपने आप को बचा के रखिएगा। रिलेशनशिप्स में भी कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सुस्ती सी दिख रही है, सुस्ती सी शायद इसलिए दिख रही है कि शायद अभी थोड़ा आप जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, हेल्थ बहुत अच्छी काम नहीं कर रही है, पैसों से बहुत अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जो है थोड़े से निराश हैं। तो ठीक है, जो रिलेशनशिप्स जैसे चल रहे हैं उनको चलने देंगे, कहीं ज़्यादा नहीं कहीं कम नहीं, बस जैसा हो रहा है होने दो। और बस यहाँ पे आपको यही आगाह कर रही हूँ, पैसे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करिएगा मत करिएगा, और कोई नया खर्चा मत करिएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा, किसी से उधार लीजिएगा भी नहीं, ये भी आपको मैं बता रही हूँ। अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या है। टीचर, यस, किसी को अपना आप मेंटर बना लीजिए, किसी के साथ सलाह करिए, कोई आपके बड़े हैं, कोई आपके आपसे मैच्योर हैं, कोई ज़्यादा समझदार हैं, उनसे उनके साथ बैठिए, डिस्कस करिए क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। और सबसे बड़े टीचर तो कौन है, डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट राशि, हमारी नेक्स्ट राशि है हमारी लिब्रा राशि। तो तुला राशि वालों के लिए कार्ड्स हमें बताइए कि कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। तुला राशि वाले तो बिल्कुल तगार खींचे हुए जिद में रहेंगे, किसी चीज़ को सोच लिया है उन्होंने कि मुझे तो ये करना है, थोड़े से चिड़चिड़े रहेंगे स्वभाव में, एसिडिटी रहेगी और चोट भी लग सकती है चलते फिरते, हो सकता है कि कहीं गिर सकते हैं और ठोकर लग सकती है, उस चीज़ का भी ध्यान देना है, किस चीज़ के पीछे भी पड़ जाएंगे, जिद कहते हैं ना मुझे तो ये करना है। तो आपको जिद नहीं करनी है, आपको वैसे तो ये स्वॉर्ड एनर्जीज हैं जो कि एयर एलिमेंट होता है, जैसे समय आ रहा है समय निकल भी जाएगा, सिर्फ इस हफ्ते की बात है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं, कहीं पे आर्ग्यूमेंट्स मुझे नज़र आती है, कहीं पे तानातानी नज़र आती है, उसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको गड़े नहीं मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं, आपको बहुत आराम से चलना है, अपने आप को कूल करना है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खूब सा ढेर सा पानी पीजिए, टॉक्सिन सारे आपकी बॉडी में से निकल जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल गेंस अब भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, और फाइनेंशियल गेंस नज़र नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है ये भी चिड़चिड़ाहट हो कि आपके पैसे फंसे हुए हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, काम में रुकावटें आ रही हैं, ये भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये एक हफ्ते की न्यू चीज़ है। अपना आप स्पिरिचुअली अपने आप को डिवाइन के साथ आप कनेक्ट होइए, मेडिटेशन करिए, फेथ रखिए, विश्वास रखिए, और जो है जैसा चल रहा है चलने दीजिए, इस हफ्ते कुछ इम्पोर्टेंट मत करिए। अब देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या आ रहा है। देखिए आपके सामने मैंने कार्ड उठाया और ये आया गया आपके लिए कार्ड योगा। यस, आपको बहुत मेडिटेशन की ज़रूरत है, योगा की ज़रूरत है,
काम होने की ज़रूरत है, यू नीड लॉट ऑफ पीस। तो पीस चाहिए आपको, तो पीस चाहिए आपको तो अपने मन को शांत रखिए, ठीक है। तो चलिए हमारी नेक्स्ट राशि आती है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियोज के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक, तो स्कॉर्पियोज हमें बताइए कि आपके लिए ये वीक क्या लेके आया है। स्कॉर्पियोज के पास तो बहुत पैसा है, मैंने तो लास्ट वीक भी देखा था इनका कुछ पेंटिकल सा ही कुछ कार्ड आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल इस बार आया, तो हो सकता है यही आया हो, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, कुछ पेंटिकल था बस, मुझे ये थोड़ा सा ध्यान है। और मुझे ये है कि स्कॉर्पियोज के पास पैसा बचेगा, पैसे की सोचेंगे, पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, मतलब मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहेगा लाइफ की तरफ, और मुनाफा भी होगा, और रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वे में ये देखने वाले हैं कि उसने इतना किया तो मैं इतना करूँगा या करूँगी, उसने उतना किया तो मैं इतना ये करूँगा या नहीं करूँगी। कोविड के बाद ना मुझे स्वेट बहुत आता है, बहुत ठंडे ठंडे पसीने आते हैं, आई एम सॉरी आई कांट स्टॉप रीडिंग इन बिटवीन। तो चलिए विल कंटिन्यू। तो आपका थोड़ा मटेरियलिस्टिक अप्रोच होने वाला है और थोड़ा सेल्फिश होने वाला है, एलर्जी से आपको बचना होगा, ज़्यादा धूल मिट्टी में मत जाइएगा फिलहाल, और जिन चीज़ों से एलर्जी है उन खानों को, उन फूड का तो आप बिल्कुल भी जो है सेवन मत करिएगा, और अपने कपड़ों को थोड़ा ज़रूर अच्छे से प्रेस करके आयरन करके पहनिएगा, क्योंकि ऐसा भी दिखता है कि आपको कुछ ना कुछ एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी होती हुई नज़र आ रही है, तो उसका आप अपना अच्छा खासा ध्यान रखिएगा। और फाइनेंशियली यू आर गोइंग टू रॉक, और रिलेशनशिप्स को थोड़ा फाइनेंशियली मत देखिए, फाइनेंशियली मतलब मटेरियलिस्टिक होके मत देखिए, उसमें सेल्फिशनेस रहती है, फिर वही है ना, दूसरे सामने वाले के मन में भी आता है कि भाई ये इतना सेल्फिश क्यों है, इतने मटेरियलिस्टिक क्यों है, कि भाई जो आपके फ़ायदे का पर्सन है आप उससे बात कर रहे हो, जो आपका फ़ायदे का पर्सन नहीं आप उससे बात ही नहीं कर रहे हो। तो ये नज़र, ये जो वे होता है थोड़ा सा अलग होता है, तो इसलिए इस एटीट्यूड से थोड़ा सा बचिए, और सबके साथ इन्वॉल्व हुई है, और फिर देखिए कितना मज़ा आता है। अब देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आती है। आपके लिए आ रही है ट्विन फ्लेम, अरे ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच हटा दीजिए, आपको आपके ट्विन फ्लेम मिलने वाले हैं, वाह वाह क्या बात है। अगर आप मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल के चला भी जाएंगे और आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो एंजल्स कह रहे हैं कि ट्विन फ्लेम आने वाला है, उससे इस वीक रूबरू हो सकते हैं, तो इसलिए अपने रिलेशन में जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, किसी भी चीज़ में मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, सेल्फिशनेस है, उस पर आपको काम करना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि, वाओ सैजिटेरियस। सैजिटेरियस मेरी चंद्र राशि है, तो देखते हैं क्या आता है कार्ड। कार्ड्स बताइए सैजिटेरियस के लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है। हर्मिट, यस, थोड़ा सा फिजिकली अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं, हेल्थ में अपने आप को थोड़ा वीक महसूस कर सकते हैं, थोड़ा लेजीनेस, लेथार्जी, आँखों में की आईसाइट का नंबर बढ़ सकता है, और थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको रेस्ट पूरा करना होगा, ज़्यादा किसी काम का बर्डन नहीं लेना होगा, जो कर सकते हैं उतना करिएगा, जितना खुशी खुशी कर सकते हैं उतना करिएगा, ओवर बर्डन होके कोई भी काम आप मत करिएगा, ये आपको जो है ये आपको बता रहे हैं। और जहाँ तक रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप्स भी आपकी बहुत ज़्यादा पैपी से तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, मेच्योर रहेंगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, जहाँ है वहीं रहेंगे, बट हाँ मेच्योर रहेंगे, उसमें कुछ कहते हैं ना कोई नॉटीनेस, शरारती या फिर चिरपीनेस या घूमना फिरना ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है, तो काफ़ी दिख रहे हैं कि आप जो मेच्योरिटी से काम लेंगे। जहाँ तक फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियली अभी आपको कोई भी गेन नहीं होने वाला है, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही क्लियरली दिख रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, अपनी बोन डेंसिटी का ध्यान देना चाहिए, और अच्छा खाना चाहिए, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, अपने रेस्ट पे ध्यान दीजिए, ये वीक आपके लिए यही बता रहा है सैजिटेरियंस। और हाँ, दूसरों को सलाह दे सकते हैं, आपकी सलाह लोगों के लिए बहुत काम आएगी, काफ़ी दूरदर्शिता से आप काम कर सकेंगे, मतलब दूर की आपको नज़र आएगी कि यू कैन बी अ गुड प्लानर दिस टाइम। प्लान करिए आगे की, कि आगे क्या करना है, फिलहाल रिलैक्स करिए। और आपके लिए एंजल गाइडेंस कह रही है चूज पीस, यानी फालतू की बातों में ध्यान मत देना, चूज पीस, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, शांति से आगे बढ़िए, शांति से आगे बढ़िए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या कहते हैं, कैसे कार्ड्स, कौन सा कार्ड आता है उनके लिए, उनके लिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए तो आ गया थ्री ऑफ कप्स। पार्टी, कहीं गेट टुगेदर हो सकता है, कहीं अच्छी खबर आ सकती है, कहीं पार्टी हो सकती है, कहीं प्यार मोहब्बत की बातें हो सकती हैं, दोस्ती में मजबूती आ सकती है और रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखती है, यानी कि दो लोगों के बीच में तीसरा दोस्त आ जाएगा तो फिर भी वो इन्जॉय करेंगे, ऐसा नहीं है। कैप्रिकॉर्न्स आर वेरी स्मार्ट पीपल, बहुत ही डीप थिंकर्स होते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न्स, तो चीज़ों को वो बहुत अच्छे से डील करते हैं। और जहाँ तक आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ अभी ऐसे ही रहेंगे, आप इंजॉयमेंट करने में ज़्यादा रहेंगे, अपने टाइम को इस लॉकडाउन को आप इंजॉय करके, अपनी मनपसंद चीज़ें करके आप ज़्यादा अच्छा पसंद करेंगे। रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, इस तरह का रह सकता है कैप्रिकॉर्न्स का। और हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो शुगर वाले लोग हैं, डायबिटिक हैं, तो उनको अपना शुगर चेक रखना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए एंजल कार्ड क्या आया है। वाह क्या बात है, यस, गणेश जी का कार्ड आया। गणेश जी कह रहे हैं सब कुछ बहुत भली होने वाली है, बहुत ही भली होने वाली है, इसलिए कैप्रिकॉर्न्स को तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंजॉय करना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स, कैसे एनर्जीज हैं, तो देखिए कौन सा कार्ड आया उनके लिए, क्या बात है। एक्वेरियस इस टाइम सोचे हुए हैं कि हमें कुछ करना है, काम करना है। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स कहीं पे ये कह रहा है कि हमें कुछ काम करना है, हमें आगे बढ़ना है, और इस वीक वो मोस्टली अपने करियर के बारे में सोचते रहेंगे, काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में, स्टडीज़ के बारे में सोचेंगे कि हमें आगे बढ़ना है और अच्छे डिसीजन लेंगे। यानी जो एक्वेरियंस है बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, सही डिसीजन ले रहे हैं, सही अप्रोच है, तो उसी को बरकरार रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। जहाँ तक रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे या आप रिलेशनशिप्स के तरफ ध्यान देंगे, आप मोस्टली करियर ओरिएंटेड रहेंगे, तो काफ़ी आपके अंदर अट्रैक्शन रहेगा और एक फ्लेम रहेगी, करेज रहेगा, हिम्मत रहेगी कि आगे मुझे बहुत कुछ करना है, और उसी हिम्मत को पकड़ के आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। फाइनेंशियल फ्लो अभी नहीं है, लेकिन हाँ काम आपका एक अच्छी जगह पे पहुंच सकता है, जिस तरह की आपकी मेहनत चल रही है तो आपका काम कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे पहुंच सकता है। तो बिल्कुल ठीक ठाक सही दिशा में चल रहे हैं एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि वाले, चलते चले जाइए। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आता है। डिटैच फ्रॉम ड्रामा, यस, वो ये चाह ही रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, रिलेशनशिप की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान नहीं है, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, नो नो नो, बिग नो टू दैट। इस टाइम वो सारे ड्रामों से हटके ना, कि उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, ये रिलेशन, वो रिलेशन, सबसे दूरी बना के वो सिर्फ अपने करियर की तरफ रहेंगे। एंड दैट इज़ वेरी गुड एक्वेरियस, आई होप आपको सक्सेस मिले। रिलेशनशिप्स वही रहने हैं। अगर आपके लिए सच्ची में एक अटैचमेंट है आपके रिलेशनशिप्स में, तो वो कहीं भी नहीं जाने वाले, दे विल अंडरस्टैंड। फोकस रहिए अपने काम की तरफ। अब हम देखते हैं हमारी लास्ट राशि पाइसंस के लिए, देखते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही हैं इस वीक। पाइसंस के लिए आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल, देखना सांस चलिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल। सिक्स ऑफ पेंटिकल कहीं पे ये कह रहा है, आप हो सकता है कहीं लोन लेना चाह रहे हो, किसी से पैसों की मदद मांग रहे हो, कहीं पे पैसों की एक ज़रूरत आ गई हो, बैंक से लोन चाह रहे हो या उधार भी ले सकते हैं, या फिर कोई आपसे मांग रहा है कि हमें ये दे दो, तो बिल्कुल गलती भी मत करिएगा पाइसंस। और पैसों का थोड़ा खर्च थोड़ा ध्यान से करिए, ऐसा लग रहा है कि आप लुटा रहे हैं, यानी पैसों को सेव नहीं करके चल रहे हैं। अगर पैसों को सेव करके नहीं चलेंगे तो नुकसान आपका होगा। रिलेशनशिप्स में भी आप थोड़े पार्शियलिटी कर रहे हैं, किसी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी के साथ आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आपको अपने रिलेशनशिप्स को भी बैलेंस करना चाहिए इस हफ्ते, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और बुरा मान जाए और आपको कह दे कि आप तो बहुत पार्शियलिटी करते हो। हो सकता है कोई रिलेशन आपसे दूर भी चला जाए, कि उसको लगे उनकी तरफ तो आपका ध्यान है ही नहीं, किसी एक ही तरफ आपका ध्यान है, तो उस तरफ से अपना थोड़ा ध्यान हटा के दूसरे की तरफ भी अपना ध्यान दीजिए। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, हेल्थ के लिए आपको थोड़ा दूसरों का सपोर्ट चाहिए होगा, और बिल्कुल सपोर्ट चाहिए हो तो आप बिल्कुल दूसरों का सपोर्ट ज़रूर मांगिएगा और आगे बढ़िएगा। हेल्प लेने से बिल्कुल भी वो मत होइएगा, पीछे मत रहिएगा। हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े हेल्थ पे,
तो हेल्थ रिलेटेड हो सकता है आपको कहीं डॉक्टर के पास ले जाना है, कोई दवाई लानी है या किसी से कंसल्टेशन करना है, तो बिल्कुल आगे बढ़िएगा। ये मत सोचिएगा लॉकडाउन है, कहाँ जाएँ, कैसे करें, क्या ना करें, उस तरफ आपका तवज्जो नहीं होना चाहिए। और पैसे अभी आते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो पैसों का खर्चा ध्यान से करिएगा। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या कह रही है। एंजल गाइडेंस आपके लिए कह रही है मदर, वाइफ, सिस्टर एंड डॉटर। आपके लिए फैमिली में जो भी फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करिएगा, उनको मान सम्मान ज़रूर दीजिएगा, तो वही आपके काम आएंगी। किसी भी औरत की डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा, कोई भी वो हो, और आप उनकी रिस्पेक्ट करके चलेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। आप चाहे फीमेल हैं चाहे मेल हैं, तो जो भी फीमेल फिगर आपके आसपास हैं या आपका उनसे कोई वास्ता पड़ रहा है, तो आप उनकी तरफ बिल्कुल डेडिकेटेड रहिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पाइसेंस के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट तो कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिएगा। और बस अब मैं धीरे धीरे तंदुरुस्त हो रही हूँ। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जो है उसको ज़रूर से आप टच कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आपके पास पहुँच जाएँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रोज़ आपके लिए एक दो वीडियोस पोस्ट करूँ, जिससे कि आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कनेक्ट हो सकूँ। और बस वीडियो देखें तो कम्प्लीट देखा करिए, बड़ी तृप्ति होती है जब आप पूरी कम्प्लीट वीडियो देखते हैं। एक आपके साथ ना कनेक्शन है, मन करता है कि वीडियो बनाऊँ, जो आपके कमेंट्स आते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, तो मन करता है, तो आप पूरा देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए अगर आपको पसंद आता है। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, मास्क लगाइए, पानी खूब पीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।